अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। घर वापसी के नाम पर मुस्लिम परिवार के 3 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू रीति रिवाज के साथ सनातन धर्म में ये लोग परिवर्तन हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी से ये मुस्लिम परिवार संपर्क में आया था और इनसे इन परिवारों ने आग्रह किया था कि ये स्वयं की इच्छा से सनातन धर्म में जाना चाहते हैं। इसके बाद पूरी विधि विधान के साथ आसिफ अब आकाश चौहान बन गया और सुमैया खातून अब प्रिया चौहान बन गई और नाजिया से अर्चना बन गई। साथ ही 5 साल का जो बेटा था इनका वो आर्यन बन गया। ये मुस्लिम परिवार स्वयं की इच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है। हिंदू रक्षा दल द्वारा फिर से आज फिर एक बार दो परिवार की घर वापसी हो रही है। इसमें से एक महिला जिनका नाम पहले नाजिया था, अब उनके घर वापसी करके अर्चना और उनका एक पुत्र है जिसका नाम आर्यन है, और दूसरा परिवार आसिफ नाम का जिसका नाम अब आकाश चौहान और सुमैया खातून नाम की जिनकी धर्मपत्नी है और जिनका नाम अब प्रिया चौहान हो चुका है। तो काफ़ी बड़ा दिन है आज हिंदू रक्षा दल के लिए।